जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं जस्ट आया हूँ मुंबई की एसी लोकल में। बहुत साल हो गए मुंबई की एसी लोकल में नहीं बैठा, और जस्ट मैं स्टेशन पहुँचा, लोकल निकलने वाली थी हमेशा की तरह, अभी छूटने वाली थी अपनी ये ट्रेन। और मैं दादर से अभी जा रहा हूँ मुंबई सेंट्रल, और वहाँ से हम लोग पकड़ने वाले हैं फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस को, भारत की सबसे पहली नॉन एसी डबल डेकर एक्सप्रेस। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ एसी लोकल का इंटीरियर। मैंने सोचा दो चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए कितना शानदार इंटीरियर बनाया गया है, मेटालिक सीट्स हैं। इसमें सबसे बुरी चीज़ ये लगी कि जब एसी लोकल ठंडी हो जाती है तो ये सीटें भी ठंडी हो चुकी हैं। ट्रेन काफ़ी खाली है क्योंकि इसका किराया मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल ट्रेन से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी नॉर्मल लोकल ट्रेन है वो भी आ चुकी है। ये निकल रही है नॉर्मल लोकल ट्रेन, और वहाँ पे अपने बाकी के दोस्त लोग भी व्लॉग कर रहे हैं। चलते हैं थोड़ी देर में उनसे भी मिलेंगे। अराइवल तो नहीं ले पाया मैं ट्रेन का, क्योंकि जो ट्रेन थी काफ़ी पहले आ गई थी, और हमारे पहुँचते पहुँचते निकली भी है। और ये फास्ट लोकल है, सीधा दादर के बाद मुंबई सेंट्रल रुकेगी, और यहाँ पे जो नॉन एसी लोकल थी वो पीछे रह गई अभी। सौरभ भाई, कितना किराया पड़ा अपने को इस ट्रेन का? इसका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का बेसिक फेयर 65 रुपीज़ है, दादर से मुंबई सेंट्रल तक 65 रुपीज़। 65 है स्टार्टिंग फेयर है, नॉर्मल ट्रेन का 5 रुपये टिकट है। कैसा लगा लेकिन अंदर, कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस इसका अंदर? बहुत छोटी जर्नी कर रहे हैं हम, बट मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंटरटेनिंग है यार। मतलब सोचा नहीं था इतना मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तक रश वाली लोकल देखी थी हम लोगों ने मुंबई की। भाई लोग, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चली है। अगर आप इसमें, जैसे हम लोग दादर से मुंबई जा रहे हैं, 65 रुपीज़ किराया लग रहा है, मंथली पास लेंगे तो 570 रुपीज़ जितना चाहिए उतना घूमो। अगर आप डेली ऑफिस से अप डाउन कर रहे हो 570 रुपये भर तैयार, गर्दी से आने से एसी में जाओ, भीड़ भी रहती है गर्मी भी रहती है, लेकिन 570 रुपये में आप घूम सकते हो। मस्त चीज़ है यार, करना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों, अगर आपकी फैमिली छूट जाती है या कुछ ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि इसमें डोर्स ऑटोमेटिक है, तो आप इसमें बात कर सकते हो गार्ड साहब से, ताकि डोर्स वगैरह को ओपन कर दिया जा सके। टॉक बैक सिस्टम यहाँ अवेलेबल है, डोर्स जो है वो ऑटोमेटिक है। इस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना कि ये डोर बंद हो जाएंगे। और बाकी जो कोचेस हैं यहाँ पर आपस में इंटर कनेक्टेड है, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर आप देख रहे हो, ये है वेस्टिबुल, यहाँ पर देख सकते हो आप, कोच जो है वो इंटर कनेक्टेड है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मना किया गया है, दो पैसेंजर अलग अलग बैठेंगे। और एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, इस ट्रेन में चेकिंग बहुत तगड़ी होती है, तो अगर आप लोग विदाउट टिकट आएंगे तो बहुत ज़्यादा फाइन भरना पड़ेगा, ऐसा करिएगा मत। खैर ट्रेन अभी पूरी खाली है, हम लोग बारिश से भीगते भीगते आ रहे हैं, थोड़ी ठंडी सी लग रही है। देखते हैं, मुंबई सेंट्रल में एक सरप्राइज ट्रेन आपका इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ हम लोग मुंबई सेंट्रल दोस्तों पहुँच चुके हैं, बस थोड़े ही समय पर, मात्र 3 मिनट में मुंबई सेंट्रल पहुँच चुके हैं। और अब चलते हैं, करीब से आपको दिखाता हूँ कौन सी खास ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। वैसे आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे, कई खास बातें उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो भाई ऐसी दिखती है कुछ बाहर से अपनी एसी लोकल। तो यहाँ पे जो अपनी एसी लोकल है वो बढ़ रही है चर्च गेट तरफ, और हम लोग इसे मुंबई सेंट्रल उतार चुके हैं। वाओ, काफी कमाल की दिखती है सामने से। और ये है अपना मुंबई सेंट्रल, चलते हैं अब दूसरी ट्रेन की ओर। तो गाइज, अपने पीछे है यहाँ पे फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से सूरत के बीच में चलती है और डेली ट्रेन है। और मतलब पहले ही लुक बता रहा हूँ, बहुत कमाल की लग रही है गाड़ी। और चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसी है एक्चुअली। और ऐसा जैसे लोकल वाली फीलिंग आती है ना, वैसे ही डोर दिए गए हैं ऊपर ये पकड़ने के लिए ऐसे। और एक डेक अपर है और एक लोअर जाता है। चलिए लोअर डेक देखते हैं कैसा दिखता है। वाह, तो यहाँ 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं, और यहाँ पे 1 पैसेंजर के बैठने की जगह दी गई है। और फ़ैन देखिए एकदम सिर के पास काफ़ी करीब है। अब मेरी हाइट से अंदाज़ा लगाइए कि कितना करीब है फ़ैन सिर के, देखें। और ये जो रूफ़ की हाइट है भाई, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, 5.7 हूँ, और फिर भी ये हाइट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कितना करीब है प्लेटफॉर्म को, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये हाइट है फ्लाइंग रानी के लोअर डेक की, और ये रहा प्लेटफॉर्म, आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म के कितना करीब है। एक बार डिपार्चर भी यहाँ से लेंगे, दिखाऊंगा आपको।
चलिए अब ट्रेन के अपर डेक दिखाता हूँ मैं आपको कैसी है। और ये रहा D5 का कोच और वहाँ से हम लोग चढ़ के आए पूरा। और ये है अपर डेक और यहाँ से जो हाइट है कुछ ऐसी है प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन चलेगी तो यहाँ से भी आपको व्यू दिखाता हूँ। 555 का हमारे यहाँ से डिपार्ट करना। जितनी ज़्यादा आप ट्रेडिंग करते हैं उतने आप XP पॉइंट्स अर्न करते हैं, जिससे आप रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो डिपॉजिट है उस पर आपको खूब सारे बोनस भी देखने को मिलते हैं फ्यूचर में। और भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाइए, इस मौके को मत गवाइएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिए, मेरे प्रोमो कोड को यूज़ करिए ताकि आपका जो डिपॉजिट है उसमें आपको 30% एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। और भाई ट्रेडिंग को शुरू कीजिए, ओलम ट्रेड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सामने से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखती है हमारी फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, जिसमें 136 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ट्रेन है 1906 में चलाई गई थी, तभी लेकिन डबल डेकर नहीं थी, 1979 में ट्रेन को डबल डेकर किया गया। वर्ल्ड वॉर 1-2 के बीच में कई बार इस ट्रेन को रोका भी गया, लेकिन आज भी ये अपनी बेहतरीन सर्विस भारतीय रेलवेज को लगातार दे रही है। कोविड के बाद भी इस ट्रेन को खोला गया, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए। मुंबई सूरत के बीच में चलती है और दोनों ही बड़े शहरों को, औद्योगिक शहरों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है ये ट्रेन। डबल डेकर होने के बावजूद ये ट्रेन हमेशा ही भरी रहती है और अभी कोविड के दौरान ये ट्रेन मुझे खाली मिल गई है। तो ये आप लोग बाहर का लुक देख सकते हैं फ्लाइंग रानी का कैसा है। जो धूल वगैरह उड़ती है वो कोच में ना जाए, लोअर डेक में ना जाए, पानी वगैरह कोई लोग हाथ धोते हैं वो सब ना जाए, इसलिए नीचे का जो डेक है उस पर प्रोटेक्शन के लिए ऐसा बना हुआ है। और ऊपर अगर आप लोग ध्यान दें तो ऊपर कुछ ऐसी बनी है जो मैंने अभी आपको व्यू दिखाया। और ये देख लीजिए ट्रेन का नंबर, सूरत से मुंबई के लिए, गुजराती में लिखा हुआ है। खैर तो बस अब से कुछ ही समय में हम लोग यहाँ से अब चलने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल 5:55 पे हमारी फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस चल चुकी है मुंबई सेंट्रल से। और अगला स्टॉप है इसका अंधेरी, बोरीवली, पालघर, धानु रोड और ऐसे ही स्टेशन को कवर करते हुए ट्रेन वापी, वलसाड़, बिल्मोरा जंक्शन, नवसारी, मरोली, सचिन, उधना जंक्शन होते हुए सूरत पहुंचती है रात में 10:35 पे। और टोटल 263 किलोमीटर की दूरी को 4 hours 40 minutes में 12 हॉल्ट के साथ तय करती है। और दोस्तों फ्लाइंग रानी एकमात्र डबल डेकर ट्रेन नहीं है नॉन एसी की। और सामने आप जो ट्रेन देख रहे हैं वलसाड़ मुंबई सेंट्रल पैसेंजर और मुंबई सेंट्रल वलसाड़ पैसेंजर, ये भी डबल डेकर कोचेस की है और ये गाड़ी कम्प्लीट अनरिजर्व्ड है। और हमारी फ्लाइंग रानी जो है, हमारी जो फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस है, ये एक रिजर्व ट्रेन है। पर एक अच्छा व्यू आपको मिल रहा है, एक अच्छा लुक्स आप देख सकते हैं कि फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस दूर से कैसी दिखती होगी। उसके लिए वलसाड़ एक जो पैसेंजर है इससे अच्छा एग्जांपल कोई नहीं हो सकता अभी फिलहाल। बगल में मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी है और बारिश ने दस्तक दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, मुंबई की जान मुंबई लोकल भी आ चुकी है। मुंबई सेंट्रल से हमारे निकलते निकलते उसने भी दस्तक दे दी और अभी हम अपर डेक में आ चुके हैं ताकि आप लोग को अपर डेक से व्यू दिखा सकें। जो मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं बारिश के समय, मौका मिले तो आइएगा ज़रूर। और यहाँ अपनी बिल्डिंग जैसी डबल डेकर ट्रेन निकल चुकी है मुंबई सेंट्रल से और काफ़ी खूबसूरत लग रही है डिपार्चर के टाइम में। यहाँ भी हम लोगों ने दोस्तों दादर रेलवे स्टेशन को पार किया काफ़ी तेज़ रफ्तार में। कैमरा जो है पूरा गीला हो चुका है, इसे रोकना पड़ेगा रिकॉर्डिंग को। तो दोस्तों अभी जो आप लोगों ने क्लिप देखी वो थी अपर डेक से और अब बारी है कुछ शॉट्स लोअर डेक से लेने के लिए। तो मैं अभी जस्ट लोअर डेक आ गया हूँ, दादर से आप लोगों ने अपर डेक से देखा और ये यहाँ पे अभी आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे लोअर डेक से। देखिए
दोस्तों ये जो व्यूज आप देख रहे हैं ये है ट्रेन के लोअर डेक से, और देखिए कितना करीब है प्लेटफॉर्म हमसे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ ये जर्नी पसंद आ रही होगी, और माफ़ी ज़रूर चाहूँगा कि जर्नी छोटी है, लेकिन मेरा टारगेट ये था कि अगर मैं मुंबई में हूँ और मेरी पुणे की ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, गोवा की ट्रेन कैंसिल हो चुकी है फ्लड के कारण, तो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ अच्छे अच्छे नज़ारे कुछ, और मेरा एक्सपीरियंस एसी लोकल का और फ्लाइंग रानी का अपर और लोअर डेक से, क्योंकि जो रेल फैन है वो ज़रूर इस जर्नी को इन्जॉय करेंगे, भले ही एंड टू एंड नहीं है लेकिन फ्यूचर में एक जर्नी एंड टू एंड ज़रूर करेंगे हम लोग। स्किपिंग बांद्रा रेलवे स्टेशन, लवली फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। भाई लोगों के मन में सच में डाउट आया होगा कि फ्लाइंग रानी नाम है तो पक्का उड़ती ही होगी बुलेट जैसे, पर उड़ती नहीं है, नाम फ्लाइंग रानी है क्योंकि काफी तेज ट्रेन है मुंबई सूरत के लिए, बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, पर ट्रेन के पहले हॉल्ट पहुंच चुका है। और यह आया अपनी ट्रेन का सबसे पहला हॉल्ट अंधेरी रेलवे स्टेशन। कोविड के दौरान भी काफी भीड़ है मुंबई में, और यहाँ पे डेली पैसेंजर जो कि मुंबई सूरत अप डाउन करते हैं काफी चढ़ते हैं इसमें, तो सौरभ भाई ने बताया कि थोड़ा संभाल के रिकॉर्डिंग करना क्योंकि यहाँ पे भीड़ चढ़ती है ट्रेन में। और यहाँ कैमरे की बैटरी डेड होते हुए लगता है रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अपना ये जो सफ़र है ये केवल बोरीवली तक था, और माफ़ी चाहूँगा कि सफ़र काफ़ी शॉर्ट है, बट ये एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता था। कोविड के बाद एसी लोकल का हाल क्या है और हमारी फ्लाइंग रानी का क्या हाल था, पीछे आप लोग देख सकते हैं मुंबई की लोकल आ चुकी है जो कि काफ़ी भरी हुई है, और यही कुछ रीज़न है जो मुंबई में बीच में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा थे, और हम लोग सैनिटाइज़र वगैरह लेकर के चले हैं। अब इसके बाद हाँ सैनिटाइज़ किए जाएंगे और वापस जाते हैं अपने घर की ओर, रेस्ट करते हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन अब एक नए सफ़र की तैयारी की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है, एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं स्टडी द ट्रेन गुरु है, वहाँ भी मैं ऐसी अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। मिलेंगे जल्दी ही और आने वाली वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।